नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर स्थित हेल्थ अस्पताल में सफाई कर्मचारी और उसके सुपरवाइजर ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मंगलवार रात काम ठप कर दिया। आरोप है कि कोरोना मरीज का बुखार, ऑक्सीजन लेवल और बीपी उनसे नपवाते थे। इसी का विरोध करने पर डॉक्टर ने एकजुट होकर उन्हें पीट दिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस दोनों बच्चों के बीच समझौता कराने का प्रयास करने में जुटी है, जबकि कर्मचारी डॉक्टर से माफी मंगवाने की बात पर अड़े हैं। हेल्थ में रात तक कर्मचारियों का हंगामा चलता रहा। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी दलील पुरवान निवासी आसिफ ने बताया कि उनकी ड्यूटी न्यूरो साइंस कोविड वार्ड में लगी थी। आरोप है कि मंगलवार को डॉक्टर कर्मचारी से ही मरीज का बुखार, ऑक्सीजन और बीपी जबरन नपवा रहे थे। इसी का विरोध करने पर डॉक्टर आनंद कुमार ने पीट दिया। इसकी सूचना उनसे अपने सुपरवाइजर विपिन को दी तो वो भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि विपिन को भी डॉक्टर ने पीट दिया। घटना की जानकारी पर अस्पताल में मौजूद करीब 80 कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर प्रिंसिपल आरके कमला को बुलाया गया है। उन्होंने दोनों डॉक्टरों को मौके पर बुलवाकर पूछताछ की। पुलिस ने भी सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा है, लेकिन सभी डॉक्टरों ने माफी मांगने की मांग पर अड़ गए हैं। अभी दोनों बच्चों में समझौता कराने का प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।